हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक आर्टिकल्स ही है, आर्टिकल्स में हम लोगों ने 20 देख लिया था। आज आइए हम 21 से 30 और फिर 31 से 40 तक देखते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात है आप लोगों से बोलने के लिए कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये मुझे भी बहुत ज्यादा मतलब ऐसा लगता है, क्यों? क्योंकि आपको चीजें बरोबर ढंग से याद नहीं आ पाती। कैसे याद नहीं आ पाती है? जैसे व्यापार वाणिज्य और संगामक की स्वतंत्रता, तो बहुत कम लोगों को ये याद आ पाता है कि उसमें लिखा हुआ मस्त, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करिए, इसका एक सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन ये है कि आप गूगल पे एक पहले पूरी की पूरी आर्टिकल्स को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। जितने भी आर्टिकल्स है उसके आर्टिकल्स की शीट को डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ को, और उस पीडीएफ में हर एक के नाम को पढ़ते जाइए, हर एक के नाम को पढ़ते जाइए। और अभी तक मैंने 40 जैसे करा दूंगा 40 तक, तो उन 40 में आप देखिए कि आपको कौन सा आता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे बोला कि विधानमंडलों की संरचना, विधानमंडलों की संरचना, तो आप उसको इमेजिन करिए कि क्या उस 40 में मैंने विधानमंडलों की संरचना पढ़ी है। तो विधानमंडलों की संरचना जैसे याद आएगा तो आपको याद आएगा कि डकैत लोग करते, कौन करता है? डकैत लोग। तो ऐसे प्रैक्टिस करिए, देखिए आपको याद आता है। अगर याद आ रहा तो बहुत अच्छा, नहीं याद आ रहा तो आप वापस से वीडियो देखिए, प्रैक्टिस करिए। ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा चीजें आपको याद रहने वाली है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने का तरीका वो है ना कि इसी से प्रैक्टिस करिए, इससे प्रैक्टिस नहीं होगा, इसे सिर्फ आप याद करिए, समझिए। समझने के बाद उसको प्रैक्टिस वहां से आर्टिकल्स में करिए। और अगर आपको जरूरी लगता है तो मैं पूरे के पूरे 396 आर्टिकल्स करा दूंगा। कंट्री भी करा रहा हूँ, ठीक है। कंट्री एंड कैपिटल्स और करेंसी भी मैं पूरे के पूरे जितने भी कंट्रीज हैं 195 की कंट्रीज पूरे कराने वाला हूँ, और इसके भी पूरे के पूरे आर्टिकल्स में कराने वाला हूँ, ठीक है। और जल्दी ही मैं एक सीरीज अपलोड करने वाला हूँ, जिस सीरीज में हम बात करेंगे कि आर्टिकल्स बोलते क्या है, सार्वजनिक कार्य और न्यायपालिका कार्य क्या है ये, ठीक है। जैसे कि विधानमंडल की संरचना, इसमें क्या बोला जाता है, तो एटलीस्ट हमको वो थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। तो टोटल जितने भी आर्टिकल्स हैं उनकी मैं एक पूरी की पूरी सीरीज डाल दूंगा। हर एक आर्टिकल्स के अलग अलग पहला आर्टिकल, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा आर्टिकल्स क्या बोलते हैं, वो पूरी की पूरी हम सीरीज डालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। 21 पे है क्या? देखिए 20 हो गया ना, 21 चल रहा है। उच्च न्यायालय का गठन, तो उच्च न्यायालय का गठन कौन कर रहा है? यहाँ पे देखिए उच्च न्यायालय का गठन कौन कर रहा है? नीतीश करते हैं। कौन करता है? नीतीश। तो नीतीश को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? नीतीश को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? 216, ठीक है, 216 नीतीश करते हैं। अब थोड़ा सा सोचिए, नीतीश कब नाम याद आएगा? नीतीश आपको तभी याद आएगा जब आप नीतीश, देखिए नीतीश हो गया, नितिन हो गए, ठीक है, इन लोग के हम नाम हमेशा यूज करते हैं। अगर आपने मेरी पूरी सीरीज देखी तो इस सीरीज में हम लालू, नीतीश, नितिन बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जिस वजह से आपको ये हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो कौन करता है उच्च न्यायालय का गठन? उच्च न्यायालय का गठन कौन करता है? उच्च न्यायालय का गठन नीतीश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, ठीक है, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। तो यहाँ पे देखिए कुछ राज्यों को संघ से क्या? अनुदान। तो कुछ राज्यों को संघ से अनुदान कौन करता है? अंगल दिलाते हैं। कौन दिलाता है? अंगल दिलाते हैं। अंगल को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, ठीक है। यहाँ पे ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5, 2 7 5 अंगल। नेक्स्ट, विधानमंडलों की संरचना, विधानमंडलों की संरचना कैसे? देखिए यहाँ पर हमारे राज्यों में जो विधानमंडल होते हैं उनकी संरचना के बारे में आर्टिकल नंबर किस में बात की गई है, ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विधानमंडलों की संरचना कौन करता है? डकैत लोग करवाते हैं। विधान, सोचिए, से इमेजिन करिए, विजुअलाइज करेंगे जितना ज्यादा उतना ज्यादा चीजें याद रहे। तो ऐसा विजुअलाइज कीजिए कि विधानमंडल हमारे यहाँ पे जो है उनकी संरचना कौन करवाता है? डकैत लोग करवाते हैं। कौन करवाते हैं? डकैत लोग। तो डकैत को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 171, ठीक है, यहाँ पे इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 7, इसका हो जाएगा 1, बाकी आर्टिकल्स वोवेल्स हैं वो कट जाएंगे, ठीक है। तो 171। नेक्स्ट, संसद में चर्चा, संसद में चर्चा पर निर्बंधन, ठीक है, संसद में चर्चा पर निर्बंधन। तो ये कौन करता है? ठंडा पड़ गया, ठीक है, ठंडा पड़ गया मतलब ठंडा पड़ गया, यहाँ पे पड़ नहीं आएगा, पड़ गया, ठीक है। चलिए इसे लिख देता हूँ, ठीक है, ठंडा पड़ गया। ठंडा पड़ गया मतलब बहुत ज्यादा काम नहीं है उधर, ठीक है, एकदम ठंडा पड़ गया है। तो क्या हो गया? संसद में चर्चा पर निर्बंध, ठंडा पड़ गया। ठंडा पड़ गया तो ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? 1 2 1, ठीक है, 1 2 1, बाकी सब क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे याद हो रहा है, संसद में चर्चा पर निर्बंध, ऐसे इमेजिन करिए संसद में चर्चा का निर्बंध, ठंडा पड़ गया। विधानमंडलों का जो संरचना होता है वो कौन करता है? डकैत तो करते हैं। राज्यों की, राज्यों को संघ से अनुवाद कौन कराता है? अंकल कराते हैं। उच्च न्यायालय का गठन नीतीश करते हैं। इस तरह से आपको याद करना है, ठीक है। तो एक बार जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो एक बार सब लिख लीजिए, लिखने के बाद आप घर से बंद करिए और अपने भाई को बोलिए कि मुझे ये सब वर्ड बोलने के लिए। उच्च न्यायालय का गठन कौन करता है? नीतीश करते हैं। उसके बाद आपको उसको नंबर्स बोलना है, नीतीश नहीं करते, ऐसा नहीं बोलना है।
आप बोलिए उच्च न्यायालय का गठन आपका भाई बोलेगा तो आपको नीतीश को ब्रेक करके बोलना है, ठीक है, 216 जैसे बोलना है, ऐसे इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए 25 के क्या दिया, सार्वजनिक कार्य और न्यायिक कार्यवाही का, ठीक है, सार्वजनिक कार्य और न्यायिक कार्यवाही का, इस वर्ड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोला कि मैं वो सीरीज लाऊंगा। उस वर्ड को समझना क्यों, हमको आर्टिकल्स याद है बट वो होता क्या है तो वो हमको नहीं समझ में आता, तो वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सार्वजनिक कार्य और न्यायिक कार्यवाही का से निजात मिल गया, ये देखो निजात भी हम बहुत जगह वर्ड यूज करते हैं, निजात को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 261, ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, निजात मिल गया, तो 2, 6 और 1। नेक्स्ट, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य जो हम व्यापार करते हैं, कॉमर्स ट्रेड करते हैं, उसकी समागम की जो स्वतंत्रता है वो हमको कौन से आर्टिकल्स में दी गई है, तो कौन से आर्टिकल्स में दी गई है, यहाँ पे देखिए 301, ठीक है, 301, 301 में दी गई है। नेक्स्ट, आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, आपातकालीन जो आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, ये कौन से आर्टिकल्स में दिया गया, तो ये कौन से आर्टिकल्स में दिया गया, देखिए मालूम होना चाहिए, इसको हमको याद कैसे करना, देखिए आपात की उद्घोषणा का प्रभाव हमको मालूम होना चाहिए कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हमको मालूम होना चाहिए, मालूम को प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, 353, ठीक है, 353 हमको मालूम होना चाहिए, ये हमको याद करना है। विजुलाइज करिए, जितना ज्यादा चीजें विजुलाइज करेंगे उतना ज्यादा, देखिए यहाँ पे मुझे पता है कि आपको ज्यादा याद नहीं होने वाला है, आप भूल जाएंगे, अभी लास्ट वीडियो खत्म होगा आप जरूर भूल जाएंगे, ठीक है, बट प्रैक्टिस करिए। कैसे प्रैक्टिस करना, मैंने आपको बताया, 2 से 3 बार इसको देखिए अपने भाई को वीडियो पूछने के लिए, अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो एक बार और देखिए, वापस प्रैक्टिस करिए, ये सब करने के बाद आप एक शीट डाउनलोड करिए, उस पीडीएफ में आप देखिए, उसको देखिए फटाफट आर्टिकल्स, और बोलते जाइए कि ये इस नंबर पे, ये इस नंबर पे, ये इस नंबर पे, ऐसे, ठीक है, ये प्रैक्टिस करने का तरीका। नेक्स्ट, राष्ट्रपति और महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति और महाभियोग की जो प्रक्रिया चलाई जाती है वो कौन से आर्टिकल्स में है, तो आप इसको याद कैसे करेंगे, देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया छोटू करता है, छोटू करता है, छोटू जो आपके घर में सबसे छोटा लड़का है, ठीक है, कौन करता है, छोटू करता है, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 61, ठीक है, 61, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 0 कट जाएगा, 1, 61। इसके बाद देखिए, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि काफी लेट होती है, हमारे यहाँ पे जो अंतरराष्ट्रीय शांति है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि काफी लेट होती है, लेट को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 51, ठीक है, 51। अब इसको आर्टिकल नंबर 51 पे क्या दिया हुआ है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ठीक है। नेक्स्ट, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, जो नागरिक है हमारे लिए उनके लिए एक समान सिविल संहिता, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, ये इंपॉर्टेंट है, समान सिविल संहिता, ये बहुत हमको रेयर मिल पाता है, बहुत रेयर देखने को मिलता है, सबको समान नहीं मिल पाता है, जो ज्यादा उच्च कास्ट के होते हैं उनको जल्दी मिल जाता है, और हमको याद करना है, ठीक है, याद करने से मतलब है, बट यहाँ पे लिखा हुआ नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ही, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, सभी को क्या मिलेगा, समान समान सिविल संहिता मिलेगा, ये कौन से आर्टिकल्स में है, अब रेयर, रेयर को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 44 आर्टिकल्स में है, ठीक है, कौन से आर्टिकल्स में, 44। नेक्स्ट, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का आरक्षण, अब ये प्राण और दैहिक क्या, ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का आरक्षण, हमको आरक्षण कौन करता है, आंटी दिलाती है, किसकी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता हमको कौन कराता है, आंटी कराती है, उसका आरक्षण हमको कौन कराता है, आंटी कराती है, आंटी को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 21, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ, ठीक है, आंटी कराती है, तो आंटी को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 21। नेक्स्ट, उपाधियों का अंत टीवी में दिखाया जाएगा, उपाधियों का अंत किस में दिखाया जाएगा, टीवी में दिखाया जाएगा, ठीक है, टीवी को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 और 8, ठीक है, 18, तो किसका अंत दिखाया जाएगा, उपाधियों, उपाधि जो पाते हैं उनका भी कभी ना कभी अंत होता है, तो उन उपाधियों का अंत हमें कहाँ दिखाया जा रहा है, टीवी पे दिखाया जा रहा है, ठीक है, तो टीवी क्या है, 18। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापन कर सकते हैं, तो जवाब मिला नो, ध्यान से सुनिए, नए राज्यों के प्रवेश, ठीक है, नए राज्य जो राज्यों में प्रवेश होते हैं या स्थापन कर सकते हैं, मतलब कोई लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं और वहां पे स्थापन करना चाह रहे हैं, तो ऐसा मैंने पूछा आपसे तो आपने जवाब क्या बोला, नो, नहीं मिलता, तो नो को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 02, ठीक है, 02, इसको 2 ही लिख दीजिए या तो ऐसा, ठीक है, 2। नेक्स्ट, मौलाना राष्ट्रपति की घोषणा किए, किसने किया, राष्ट्रपति की घोषणा किसने की, मौलाना ने, ठीक है,
मौलाना को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 352, ठीक है 352 पे राष्ट्रपात की घोषणा है, पूरे राष्ट्र को क्या कर दिया जाता है आपातकालीन घोषित कर दिया जाता है। तो 352 पे मौलाना राष्ट्रपात की घोषणा करते हैं, कौन करता है, प्रेसिडेंट नहीं करते हैं, मौलाना करते हैं, ऐसा इमेजिन करना ठीक है, मौलाना राष्ट्रपात की घोषणा करते हैं। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के विकास के लिए, हिंदी भाषा जो है ठीक है उसके विकास के लिए हमको मेलोडी खाना पड़ेगा, क्या खाना पड़ेगा, मेलोडी, हिंदी जो हमारी भाषा है अगर उसकी विकास हमको करवाना है तो हमको क्या खाना पड़ेगा, मेलोडी खाना पड़ेगा। मेलोडी को ब्रेक करके तो क्या होगा 251, ठीक है 351, 351 पे ये है, 352 पे वो है, ठीक है 3 मेलोडी 5 और 1। नेक्स्ट, अनुपम खेर राज्यों द्वारा उपहार ले रहे हैं, तो अनुपम खेर, आप अनुपम खेर को जानते रहोगे, तो अनुपम खेर जो है वो राज्यों द्वारा उधार ले रहे हैं, ठीक है राज्यों से क्या कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं, तो ये भी एक आर्टिकल है ठीक है, राज्यों द्वारा उधार, राज्य कभी भी उधार ले सकता है ठीक है, किसी दूसरे राज्य से हमारे यूनियन से, तो राज्यों द्वारा उधार जब लिया जाता है तो कौन लेता है, वो अनुपम लेते हैं, अनुपम खेर ठीक है। तो इसको ब्रेक करेंगे तो 293 आर्टिकल नंबर है, 293 आर्टिकल पे लिखा गया है राज्यों द्वारा उधार कैसे लिए जाते हैं, कब लिए जाते हैं और उनके क्या क्या चीजें होती है ठीक है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा उधार लेने पे आप यहाँ पे देखिए, भारत सरकार द्वारा उधार, भारत सरकार द्वारा जब उधार लिया जाता है तो वो आर्टिकल नंबर कौन सा है, 292 ठीक है 292। तो यहाँ पे देखिए भारत सरकार द्वारा उधार, ये राज्यों द्वारा उधार था, ये भारत सरकार द्वारा उधार लेने में आप निपुण है, क्या है निपुण है, तो निपुण को ब्रेक करेंगे तो 292 ठीक है, आप क्या है निपुण है, भारत सरकार जब उधार लेता है तो आप उसको याद कैसे करना है, भारत सरकार द्वारा उधार लेने में आप निपुण है, निपुण को ब्रेक करेंगे तो 292। और अनुपम खेर किसके लिए उधार लेता है, राज्यों से उधार लेता है ठीक है। हिंदी भाषा के विकास करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मेलोडी खाना पड़ेगा, मौलाना राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं ना कि प्रेसिडेंट, क्या क्या दिया हुआ है, अगला देखते हैं, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए तलाक शुदा होना चाहिए, इसको कैसे याद करेंगे, देखिए राज्यपाल नियुक्त, राज्यपाल आपको अगर नियुक्त कराना है ठीक है, आप राज्यपाल नियुक्त होना चाहते हैं तो राज्यपाल नियुक्त होने के लिए आप पहले तो शादीशुदा होना चाहिए और शादीशुदा होने के बाद आपका तलाक होना चाहिए ठीक है, तलाक होना बहुत जरूरी है तभी आप क्या कर सकते हो, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो तलाक को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 157 ठीक है, 157 पे क्या दिया हुआ है, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए एलिजिबिलिटी दी हुई है ठीक है। नेक्स्ट, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, यहाँ पे लिखा हुआ है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, देखिए राज्यों के लिए उच्च न्यायालय नादान है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय क्या है, नादान है, तो यहाँ पे देखिए राज्यों के लिए उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, ये आर्टिकल नंबर कौन सा है, तो ये आर्टिकल नंबर कौन सा है 212 ठीक है 212, यहाँ पे देखिए 212 तो 212 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय क्या कर सकता है इसके बारे में दिया गया है। नेक्स्ट, न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच नींद में चल रही है, किसमें चल रही है, नींद में चल रही है, नींद को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 22 ठीक है 221 ठीक है 221 किसमें चल रही है, नींद में चल रही है, कौन सी कार्यवाही, न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही, इसको याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है, न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही किसमें चल रही है, नींद में चल रही है ठीक है। तो ये टोटल हो गए 40 ठीक है, 20 पिछले वीडियो में और 20 इस वीडियो में, अगर पिछला वीडियो नहीं देखा आपने तो पहले पिछला वीडियो देखिए फिर यहाँ पे आइए क्योंकि उसी का कंटिन्यू भाग है। तो ये हो गया टोटल 40 आर्टिकल्स, इसके बाद जो मैं डालूंगा फिर 60 हो जाएंगे, 20-20 करके हम ऐसे टोटल 396 देखेंगे। और जो सीरीज मैंने बोला है अगर वो सीरीज आप लोग को चाहिए, अगर यूजफुल है तो प्लीज कमेंट करिए ठीक है, आप कमेंट करेंगे तो मुझे थोड़ा ऐसा लगेगा कि नहीं ये सीरीज बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं भी करेंगे फिर भी मैं कोशिश करूंगा डालने की, क्योंकि अभी तो मेरे इतने है नहीं सब्सक्राइबर ठीक है, फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि मैं जल्दी जल्दी वो सीरीज डालू ठीक है। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आपको पता है मैं यही रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ, एक ही रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करिए जो भी आपको डाउट होता है, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपका कमेंट आना ही चाहिए ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ख्याल रखिए।